ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? घुसपैठियों को बांटेंगे क्या? आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदाद और शुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों इतना झूठ बोलते? आदाद और शुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको।